बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। जब आप सैलड बनाते हैं उसमें आप कैरेट्स डालते हैं, कोकम्बर डालते हैं, आप कॉर्न्स डालते हैं और चीज़ें उसमें डालते हैं, अनियन भी डाल सकते हैं, ठीक है। जब आप उनको मिक्स करेंगे फिजिकली तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। उसमें हर एक जो एलिमेंट है उसका अपना अपना टेस्ट होता है। आपको एक डिफरेंट टेस्ट, कॉर्न्स का टेस्ट आपको वैसे ही मुँह में जाएगा और कॉर्न्स का टेस्ट ही आएगा। जब कोकम्बर मुँह में जाएगा कोकम्बर का टेस्ट ही आएगा, ठीक है। तो उन उसका जो है वो टेस्ट चेंज नहीं होता, वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये होता है मिक्सचर। व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो इसमें हमने जो आपको सैलड की एग्जांपल दी, आप जितना मर्जी चाहें उसमें कैरेट्स डाल लें, जितने मर्जी आपको कम्बर डाल लें, जितना मर्जी कॉर्न्स डाल लें, जितने मर्जी आप दूसरी चीज़ें ऐड कर लें, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं है, नो फिक्स रेशियो, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब उनको आपने क्या करना है, फिजिकली आपने उनको करना है मिक्सअप करना है, ठीक है। सो व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्सअप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो इससे क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, ठीक है। वो जो सॉलिड जो बन गया वो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उनके जायके सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है। ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है कि जब हम सैलड बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ों का मिक्स करते हैं, जब हम खाएंगे सैलड खा रहे होंगे तो जब कोकम्बर मुँह में जाएगा उसका टेस्ट आएगा, जब कैरेट मुँह में जाएगी उसका टेस्ट आएगा, तो जो जो चीज़ आएगी उसी का सेम टेस्ट आएगा, वो अपने टेस्ट लूज नहीं करेंगे। सो द सेम वे दे आर सेइंग द On mixing up the component substances retain their own chemical identities and properties, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो मिक्सचर बन गया है इसमें हम कोकम्बर को हम लैदा कर सकते हैं, ईजीली इसमें से निकाल सकते हैं, हम कैरेट को लैदा से निकाल सकते हैं, कॉर्न्स को हम लैदा से निकाल सकते हैं। जब हमने मिक्सचर बना भी लिया है, सैलड बना भी लिया है, फिर भी हम उनको हाथ से पकड़ के लैदा लैदा हम उनको काट सकते हैं। तो ये चीज़ बताई गई है मिक्सर के बारे में। मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे कि कैसे कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, जो सेपरेशन है कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स कहते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, हम उसको डिस्टिल कर सकते हैं, डिस्टिलेशन फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवेपोरेट हम कर सकते हैं, हम क्रिस्टल बना सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट से जैसे सैंड और आयरन जो है उसका एक मिक्सचर बना लें, उनका मिक्स कर लें। अगर आपको ज़्यादा करना है तो मैग्नेट ले आए, तो उससे क्या होगा कि जो आयरन पार्टिकल्स है वो मैग्नेट से चिपक के लैदा हो जाएंगे और रेत बाकी रह जाएगी, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको फिल्टर लैदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मिक्सचर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस या फिर होता है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एक जैसी, ठीक है, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर है, गैसोलीन है, ठीक है, आइसक्रीम है, तो ये मिक्सचर कौन से, होमोजीनियस हैं, जिसमें एक क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रो का होता है डिफरेंट, ठीक है। हेट्रोजीनियस आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसमें डिफरेंट किस्म की होती है, यानी नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो होगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। जैसे मिट्टी है,
सॉइल, रॉक, वुड, ठीक है, तो ये आएंगे हेटरोजीनियस मिक्सचर्स में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें थोड़ा सा एक जो है दिया हुआ है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक टेबल। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। एयर में क्या होता है, वो एक मिक्सचर है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस और वाटर वेपर्स का। सॉइल, मिट्टी क्या होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर, ठीक है। मिल्क जो है उसमें होता है वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिंस। ब्रास, पीतल, ब्रास, ब्रास क्या होता है, उसमें कॉपर होता है और जिंक के मेटल्स होती हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। एक्चुअली हमने आपको ये सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, हमने आसान लैंग्वेज में आपको समझाना है ताकि जो बुक में लिखा हुआ है वो आपको आराम से समझ आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि स्टडी के दो पार्ट होते हैं, पहले आपने उसको समझना होता है और फिर आप उसको याद करना होता है। तो ये जो समझने का पार्ट है उसको उसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या मीनिंग्स क्या है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये कहता है कि जब मिलता है तो ये केमिकल कम्बिनेशन होता है, केमिकली कम्बाइंड, केमिकली कम्बाइंड, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाई अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। जो एटम्स है वो क्या है, वो है केमिकली कम्बाइंड, केमिकल रिएक्शन से होता है। ये क्या है, ये फिजिकली, फिजिकली कम्बाइंड, ठीक है। मिक्सचर इज फॉर्म बाई द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, सिर्फ सिर्फ मिक्सिंग कर रही है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट की पार्ट पे आके जो जब कंबाइन करते हैं ना तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो चेंज हो जाती है। कम्बिनेशन से पहले, केमिकल रिएक्शन से पहले जो एटम्स की प्रॉपर्टीज थी वो और थी, जब कंबाइन किया केमिकली तो जो चीज़ नई बनी उसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं, ठीक है। तो वो लूज़ कर गई अपनी प्रॉपर्टीज़, लूज़ कर गई एटम्स और डिफरेंट जो है ना प्रॉपर्टीज़ अब आ गई सब्सटेंस की। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होती हैं, लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। तो ये क्या है, न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यू प्रॉपर्टीज़ जो कि डिफरेंट है पहले वालों से, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं होता, इसमें जो है ना वो सेम रहती हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हैं वो ही मिक्सचर में प्रॉपर्टीज होंगी सेम, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इनको जो हम करते हैं जब मिक्सअप करते हैं केमिकली तो जो इनकी जो रेशो होती है, ठीक है, तो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड रेशो या फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, यानी हाइड्रोजन इतना चाहिए, ऑक्सीजन इतना चाहिए, ठीक है। तो फिक्स्ड कंपोजिशन इसमें जो है मिक्सचर में फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। दे डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। मैं आपको बताया जितने मर्जी टमाटो डाल लें, जितने मर्जी कैरेट्स डाल लें, ठीक है, तो वो फिर भी मिक्सचर बन जाएगा। देन द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इनको फिजिकल मेथड से अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय इजी फिजिकल मेथड्स, जो हमने बताया फिल्ट्रेशन है, ठीक है, डिस्टिलेशन है, वेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। नंबर फाइव इसमें दिया हुआ है कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। इसको जो है वो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो केमिकल फार्मूला से होती है और इसकी हमें पता है कि सिंबल से होती है, शॉर्ट फॉर्म सिंबल, ठीक है। देन कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, इनकी जो है वो होमोजीनियस कंपोजिशन है। तो जो एलिमेंट्स हैं दे मे बी होमोजीनियस और हेटरोजीनियस, ये दोनों हो सकते हैं, ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो है कि इधर हम साइड पे जो है वो लिख लेते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी।
सेवन्थ प्रॉपर्टी कहती है जी कि कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके जो ना वो शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो मिक्सचर है दे डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, जो मिक्सचर है इसका शार्प नो शार्प और नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इस तरह से हमने अभी किया है मिक्सर को और कंपाउंड्स को, हमने उनका कंपैरिजन जो है वो अभी हमने किया है।